हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्नेहा रेशम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी ब्राइडल का ब्लाउज। तो ब्राइडल का ब्लाउज मैंने कल कट कर लिया था, तो आज मैं उसे सिलने वाली हूँ। तो उसे सिलने के लिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है और इसको हटाते हैं। और ये हमारा है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें गला कट नहीं करना है, तो ये मैंने सिंपली पहले अस्तर खोल लिया, फिर उसके ऊपर उल्टा कपड़ा रखना है। जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है मेन फैब्रिक, उसको हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर। और जैसे कि जैसा भी गला हो, उसके किनारे किनारे आपको सिलाई लगा देनी है। तो आप सिलाई को इधर उधर मत करिएगा और ये बिल्कुल एक ही सीध में सिलाई लगानी है, जैसे कि गला हो उसी के हिसाब से। और ये हमारा बीच वाला कपड़ा हमें यहाँ से कट कर देना है। तो गले का बीच वाला कपड़ा ये मैंने कट कर दिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें पलटने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने असल पलट लिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। गला में बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे स्टिच कर रही हूँ, और इसमें पेपर पेस्टिंग वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ये मैं ब्लाउज़ थोड़ा जल्दी में सिल रही हूँ, इसलिए मैं इसे सिंपल ही स्टिच करूँगी। और यहाँ से नीचे ही हमारी 12.5, तो इसको हमें पलट लेना है। तो ये बहुत छोटे छोटे से नग हैं, इनसे सुई टूटने का डर रहता है, तो पहले हमें ये निकाल देने हैं। और ये हमें इस तरीके से पलट लेना है, और उल्टी साइड में हमें एक पैर की सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है। अब हमें अंदर से ब्लाउज को सीधा कर लेना है। तो ब्लाउज को सीधे करने के बाद में हमें ब्लाउज के चारों तरफ में फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा देनी है। तो पीछे की साइड भी हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई लग चुकी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद में हम बैक पार्ट में जो हमारी चुन्नटें डलती हैं नीचे कमर की साइड में, उन चुन्नटों को डालेंगे। तो यहाँ से बीच वाला सेंटर निकाल के हमें इस तरीके से, और यहाँ पे
जो नट का निशान लगाना है इस तरीके से। ये करीब 4 इंच की जो नट है इसमें, इसी तरीके से उधर की साइड में पलट के और सेम ऐसी ही चुन्नट उधर की साइड में भी लगा देनी है। और अब हम इनको सिल देंगे। तो ये मेरी एक चुन्नट लग चुकी है, अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से चुन्नट लगा देंगे। ये हमारी चुन्नट भी लग के तैयार है। तो बैक पार्ट में हम ये लेस है इसको स्टिच करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट में लेस लग के रेडी है। अब हम इसके बाद में अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस पार्ट को भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट रेडी किया था। तो ये मैंने मैन फैब्रिक है जो उल्टा रखा है अस्तल के ऊपर, और मैं किनारे से सिलाई लगाऊंगी। जो इसमें गला बना हुआ है उसी के किनारे किनारे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद में हम अंदर अंदर वाला कपड़ा यहाँ से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के उसे सारे को कट कर लेंगे। और इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि हमें ब्लाउज़ को पलटने में दिक्कत ना हो। अब सेम बैक पार्ट की तरह इसे भी पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग के रेडी है। तो ये हमें ओनली शोल्डर तक स्टिच करना है। इसमें हम कफ लगाने वाले हैं तो उसके लिए हमने ओपन रखा है।
तो ये हमने ब्लाउज कर लिया है उल्टा, और इसके बाद में हम लगाएंगे प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज की तरह इसमें निशान लगाएंगे। तो ये मेरा 9 इंच पर टक्स पॉइंट आया है, और इधर भी मैं 9 इंच पर निशान लगा दूँगी, और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके बाद में प्रिंसेस कट ब्लाउज की सेफ दे देंगे। और इतना ही इधर से नीचे से स्टिच होगा, और इतना ही इधर से होगा। तो कई सारे ब्लाउजों में यहाँ से कट करके भी बना सकते हैं, तो मैं इसे कट नहीं करूँगी। और ये हमारे पैडेट हैं, और इनके ऊपर मेन पॉइंट पर निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्टिच होते हैं, तो स्टिच हम बाद में करेंगे, ये ओनली मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पे मेन पॉइंट पे ही आने हैं। तो यहाँ से साइड से थोड़ी सी सिलाई हटा के पहले हम इसमें चुन्नटें लगाएंगे। तो पहले हम अपने अस्तर में चुन्नट लगाएंगे। और इसी की तरह हम अपने दूसरे वाली साइड में भी स्टिच कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट का जो निशान लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद में हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर हम प्रिंसेस कट वाले निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आया 9 इंच पर, और इधर भी हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज के ऊपर सेफ दे देंगे। तो ये मैंने सेफ दे दी है। इसके बाद में हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो अस्तल वाले में अलग से सिलाई लगानी है, और ऊपर वाले फैब्रिक में अलग से लगानी है। पहले सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद में आपको जो अपने। तो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी साइड भी अपनी प्रिंसेस कट वाला जो निशान लगाया था उस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इनमें जो मोतियाँ वगैरह होते हैं पहले आप उनको निकाल लेना, उसके बाद में आपको स्टिच करना है। और ये मेरी दोनों चुन्नटें लग गई हैं। तो इसके बाद में हमें अपने कफ को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में हमारा जो मेन पॉइंट है जहाँ हमने 9 पॉइंट पर निशान लगाया था उस पर रख के इस तरीके से और 2-3 बार मशीन को घुमा देना है। तो ये मैंने 3-4 बार यहाँ पर सिलाई लगा दी है, उसके बाद में सिलाई मशीन को हटा के और ये हमें सीधा कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड भी स्टिच कर देना है। पहले अपने कफ को उल्टा करना है और मेन पॉइंट पर उसे रख के
और 3-4 बार सिलाई लगा देनी है बीच में। इधर की साइड भी हमने ऐसे ही स्टिच कर दिया है। उसके बाद में हम अपने ब्लाउज को चारों तरफ से अच्छे से करके और इसके बाद में हम सिलाई लगाते हैं चारों तरफ। तो यहाँ हम 1.5 इंच की पट्टी अलग से कट करके उसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने ये सीधी सिलाई लगा दी है। इसमें कहीं चुनरटें सरवटें नहीं आए, आप अच्छे से अपने ब्लाउज को स्ट्रेट करके और उस पर सिलाई लगा देना। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आया है। ये मोती वगैरह निकालने के बाद में आपको सिलाई लगानी है। और ये मेरा बैक पार्ट भी बन के रेडी है। और ये अंदर की साइड मोड़ने के लिए 1.5 इंच की मैंने पट्टी कट की है और इसको हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर रखने के बाद में हमें इधर की साइड में एक सिलाई लगानी है अपनी सिलाई वाले कपड़े को उधर की साइड में करके। और इसके बाद में हमें ये इस तरीके से कट कर देना है एक्स्ट्रा वर्क फैब्रिक। और उसके बाद में ये मैंने ये पलट के और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये मेरी पट्टी सिल के रेडी है और ये मेरा फ्रंट पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद में हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के इसे स्टिच कर देंगे। और कंधे पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपने दोनों कंधों पर डबल डबल सिलाई लगा दी है और फिनिशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है। और इसके बाद में हम ब्लाउज को सीधा करेंगे और हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बन के रेडी हो गए हैं। और इसके बाद में हम अपनी बाजू को रेडी करेंगे। तो ये हम रख देते हैं साइड में और ये हमारी बाजू पे लगाने के लिए बॉर्डर है और ये हमारी है बाजू। तो बाजू की नीचे ही कपड़े में से फुल नहीं बैठ रही थी तो इसीलिए ये हमारी जो बैक पार्ट वाली लेस है उसको मैं बाजू में
अटैच कर दूंगी, जिससे कि हमारा बॉर्डर भी चौड़ा हो जाएगा और हमारी बाजू की निचाई भी पूरी हो जाएगी। तो हमें चारों तरफ से अपनी बाजू को फिनिशिंग के साथ में सिल लेना है। तो जो मेरा असल है वो मेरा जितनी मुझे बाजू रखनी है उसी के हिसाब से कट किया था, और यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे जितनी हमें सिलाई लगानी है अपनी फिटिंग वाली, और उसी के हिसाब से हम अपने बॉर्डर को रख के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इन्हें सिल देंगे। तो ये हमारे बाजू का बॉर्डर भी लग के रेडी हो गया है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने फिनिशिंग के साथ में कट कर दिया है, और इसी तरीके से हम अपने दूसरी बाजू भी रेडी कर लेनी है। पहले चारों तरफ से सिलाई लगानी है। जैसे कि हमने अपनी पहली बाजू में अपना बॉर्डर ज्वाइंट किया था, उसी प्रकार से हमें अपनी दूसरी बाजू में भी बॉर्डर को ज्वाइंट करना है। तो मेरी बाजू की निचाई आती है यहाँ तक, और यहाँ से मैं लगा दूँगी निशान, और उसके बाद में हम अपने बॉर्डर को लगा देंगे। जैसे हमने पहली बाजू सिली थी, इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी बाजू भी सिल लेनी है। तो ये मेरा एक्स्ट्रा काम हुआ था, ये लेस लगाने वाला बाजू में ये मैंने एक्स्ट्रा लेस लगाई हुई थी। तो ये आगे वाला हिस्सा है कम वाला, और वो जो ज़्यादा निकलता है बाजू में वो हम बैक पार्ट में लगाते हैं। तो यहाँ से बीच वाले सेंटर पर अपनी बाजू को इस तरीके से रख के
मुड्डे वाली सिलाई के पास में रख के और इसको यहीं से स्टिच करना है। तो यहाँ से हम अपनी बाजू को स्टिच कर देते हैं। तो ये हमारी एक बाजू सिलने वाली है और इधर की साइड भी हम इसे नाप के और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे हम। तो ये हमने बीच से सिलाई इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि बाजू में इधर उधर ज़्यादा नहीं हो जाए, इसीलिए ये फिक्स होती है। अगर हम बीच में से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हमारी बाजू एकदम फिक्स सिली जाएगी। ना इधर ज़्यादा होगा ना उधर ज़्यादा होगा। तो ये हमारी बाजू एक सिल के रेडी हो गई है और इसी तरीके से हम अपने दूसरी साइड भी बाजू सिल लेते हैं। तो बीच वाले सेंटर से रख के और इसे नाप के यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो ये हमारी दूसरी बाजू भी लग के रेडी हो गई है। तो ये हमारी बाजू भी लग के दोनों रेडी हो गई हैं। उसके बाद में हमें अपने ब्लाउज को उल्टा करना है और हमारी ब्रेस्ट का हमें आधा लेना है। जैसे कि हमारी 31 ब्रेस्ट थी तो उसका आधा लेंगे हम, तो 15.5। तो 15.5 आया तो 15.5 पर हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। और हमारी नीचे वाली पेटी थी 26, तो उसका आधा करके हम यहाँ नीचे निशान लगा देंगे। और यहाँ से सीधा सीधा हमें दोनों साइड में निशान लगा देना है। उसके बाद में सेम इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा लेना है। तो 15.5 है हमारा वन साइड से, तो ये मैंने निशान लगा लिया है। और नीचे हमारा 13 है तो हमने यहाँ से सीधा निशान लगा लिया है। और उसके बाद में हम अपनी बाजू में निशान लगाएंगे। तो बाजू है हमारी 9 इंच की, तो 9 का हाफ करेंगे हम 4.5, तो 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। जहाँ हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया उसी निशान से हम मिला लेंगे। और इसके बाद में हमें यहाँ से सीधा स्टिच करना है। तो बाजू में मोती वगैरह होते हैं, पहले आप उनको निकाल लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ से सिलाई लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आपके बीच में ही सुई टूट जाए, इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके आप पहले अपने मोती वगैरह को निकाल लीजिएगा। और इसके बाद में ये मैंने फिटिंग वाला जो निशान लगाया था उसी पर मुझे सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ से मेरी सिलाई लग गई है। फिनिशिंग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर दिया है। तो ये मेरी वन साइड से सिलाई लग गई है। अब इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से 4.5 इंच मेरी बाजू का निशान है। आपकी जितनी भी बाजू हो उसका हाफ आधा लेके और निशान लगा देना है। और ये मैंने फिटिंग वाली दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है। तो आप आगे वाली फिटिंग का निशान और पीछे वाली फिटिंग का निशान दोनों साइड में आपको मिला लेना है। तो वन साइड में हम चेन लगाने वाले हैं, तो चेन लगाने के लिए आप चेन का नाप ले लीजिए 5 इंच या फिर 4.5 इंच में मैं चेन लगाऊंगी। तो फिर वहीं से सिलाई को हम वापस कर लेंगे उतना ही एक साइड में छोड़ के। तो ये मैंने वन साइड में भी सिलाई लगा दी है और ये फिनिशिंग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर दिया है। और यहाँ से 4.5 इंच हमने कपड़ा ओपन रखा है, फिटिंग नहीं लगाई है उसमें। तो पहले ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम अपनी वन साइड में चेन लगाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले ये नग वगैरह हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने नग वगैरह भी निकाल दिए हैं। तो यहाँ से जो भी हमारी फिटिंग का निशान था उस पर फिर से निशान लगा लेना है और इतना ही कपड़ा हमें नीचे फोल्ड करना है। तो यहाँ से इस तरीके से मुझे फोल्ड करके चेन लगानी है। तो जैसे कि हम अपने सूट की पर्त बनाते हैं उसी हिसाब से हमें दोनों साइड में कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो पहले चेन को थोड़ा सा खोलना है और फिटिंग में आगे का थोड़ा सा हिस्सा दबा देना है और इस तरीके से। और इस तरीके से फिटिंग में आगे वाला हिस्सा दबा देना है और इस तरीके से ये यहाँ से लॉक हो जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से 2-3 बार आप सिलाई लगाइएगा, चेन निकल नहीं जाए। तो यहाँ ऊपर हम कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे कि चेन हमारी दिखाई नहीं दे और चेन को फिर बंद कर देंगे थोड़ा सा खुला छोड़ के। और उसके बाद में जैसे हम सूट की पर्त बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा देनी है और उसके बाद में हमें फिर से अपनी फिटिंग वाली साइड को मोड़ के, यहाँ से मेरी फिटिंग लगेगी तो यहीं से इतना मोड़ के, और जैसे कि हमने पहले अपनी चेन को अपनी फिटिंग के कपड़े में दबाया था उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी दबा के सिल देना है। तो यहाँ से आप हाथ से भी टक कर सकते हो थोड़ा सा बीच अगर आपकी मशीन से नहीं टक हो रहा है। तो यहाँ से मैंने ये सिलाई लगा दी है। आप जल्दी लगाने की कोशिश नहीं करें, ये धीरे धीरे ही लगेगी।
तो यहाँ से ये मेरी चेन भी लग के रेडी हो गई है। और यहाँ से एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर देंगे। तो ये मेरी चेन लग गई है और इसके बाद मैं अपने ब्लाउज को हम अच्छे से कर लेंगे। अच्छे से करने के बाद में जो हमारे लटकन थे जो हमने कल बनाए थे हम उनको इसमें स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से करीब 1.5 इंच के नीचे मुड्डे की सिलाई से 1.5 इंच नीचे हमें ये अपने लटकन जो है टक कर देने हैं। और अपनी डोरी की साइड में 2-3 बार अपनी मशीन को चला देना है। तो ये मेरी एक डोरी टक हो गई है और अब मैं दूसरी वाली डोरी टक करूंगी। तो इस ब्लाउज को मैंने ओनली 1 घंटे में सिल के तैयार किया था और वीडियो बस थोड़ी सी फास्ट ही हो पाई है, वरना आपके समझ में नहीं आती अगर मैं ज़्यादा फास्ट कर देती तो। तो यहाँ से डोरियों को हमें बांध देना है अच्छे से। इसके बाद में हमारा ब्लाउज बनके रेडी है। टन टन टन। आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा, आपको मेरी स्टिच करने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी, तो आप इसी तरीके से अपने सारे ब्लाउज में फिटिंग लगाइएगा, आपका ब्लाउज एकदम फिट बनेगा। तो आप देख सकते हो मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। ये लटकन है और ये जो हमने बाजू पर बॉर्डर ज्वाइन किया था वो है, और हमारे लटकन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं।